आप लोग सोचते हो भी आरटीओ टैक्सेस चार्जेस भाई कितना हमारे को पड़ने वाला है ऑन रोड ऑन रोड, तो वो भाई काम रहेगा आरटीओ डिलीवरी चार्जेस रहेगा भाई वो लगभग 10,879 रुपये तक का रहेगा। तो ये वो प्राइसिंग है भाई, लेग गार्ड इंश्योरेंस का ये है, एसपीजीएल हेलमेट एक्सेसरीज ये है, मिनिमम ईएमआई ऑप्शंस ठीक है। तो भाई देखो सबसे पहले जो ईएमआई ऑप्शन डाउन पेमेंट करते हो ठीक है, तो 20,000 रुपये डाउन पेमेंट करने पे भाई 24 महीने 30 को मेडिक टूल किट मिलने वाली है, ग्रिप कवर मिलने वाला है, सीट कवर मिलने वाला है ठीक है, साइड का जाल मिलने वाला है, बजर मिलने वाला है, व्हील लॉक मिलने वाला है, डॉक्यूमेंट्स आपको जो हैं अपने साथ लेके जाने हैं भाई। डॉक्यूमेंट्स में इन्होंने भाई लिखा है एक आधार कार्ड चाहिए, हो सके तो पैन कार्ड ले जा सकते हैं, और बैंक की डिटेल्स भी होनी बहुत ज़रूरी है जिसमें कि बैंक का भाई आपको पासबुक। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो यार ये रही अपन लोगों की बाइक, तो आज दोस्तों हम इस बाइक का जो भाई करंट टाइम पे जो प्राइस चल रहा है, यानी कि क्या करंट टाइम पे इसका ऑन रोड प्राइस है, जो भाई अभी BS6 Phase 2 यानी कि E20 में जो बाइक्स आ रही हैं ठीक है, इसके बाद से भाई बाइक्स के जो प्राइस में है भाई 2-3 हज़ार रुपये का फ़र्क आया है ठीक है, प्राइस थोड़ा बढ़ा ही है। जैसे जैसे भाई बाइक्स का जो नई नई फीचर्स भाई कंपनियाँ इसमें ऐड करती जा रही हैं थोड़ा बहुत ठीक है, वैसे वैसे बाइक्स का जो प्राइस है वो भाई बढ़ता ही जा रहा है। अब आप ये सोचो कि ये बाइक पुरानी हो जाएगी, इससे ज़्यादा भाई नई बाइक्स लॉन्च हो जाएंगी तो इसका प्राइस सस्ता हो जाएगा तब लेंगे भाई, अब ऐसा नहीं होने वाला है। बाइक का भाई, इस वाली बाइक का एक्सटेक का भाई प्राइस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है ठीक है। तो आज अपन लोग ठीक है भाई, हम लोग शोरूम पे गए थे, वहाँ से हम लोगों ने भाई इसका एक एक चीज़ ब्रेक डाउन करवा के लाए हैं भाई, क्या क्या इसके ईएमआई ऑप्शंस हैं उस पर बात करने वाले हैं ठीक है भाई, फाइनेंस पे कैसे पड़ने वाली है हमारे को वो देखने वाले हैं, और साथ ही साथ भाई हमने उनसे एक्सेसरीज़ भी सभी लिखवाई थी ठीक है, जो जेन्युइन एक्सेसरीज़ भाई हमारे को शोरूम से मिलती हैं, वो क्या क्या एक्सेसरीज़ हमारे को देखा। तो भाई जो जेन्युइन एक्सेसरीज़ भाई बाइक के साथ हमारे को शोरूम से प्रोवाइड की जाती हैं, उन एक्सेसरीज़ के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि वो भी हम भाई शोरूम से लिखवा के लाए हैं ठीक है, और ईएमआई डाउन पेमेंट कितना रहने वाला है बाइक का, सभी ऑप्शंस पे बात करेंगे, मतलब कि 12 महीनों के लिए, 24 महीने ठीक है, 36 महीने भाई जो जो ईएमआई ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो आपको साथ ही साथ बताते हैं। साथ में भाई जो ईएमआई भाई आप पूछते रहते हो भाई इसके फाइनेंस पर भाई ईएमआई ऑप्शंस भाई क्या अवेलेबल हैं, आप हमेशा ये क्वेश्चंस पूछते हो, तो भाई देखो शोरूम पर भी वो लोग भाई खुद से ईएमआई कैलकुलेट नहीं करते हैं, अब भाई ऑनलाइन भाई ईएमआई कैलकुलेटर्स मिलते हैं ठीक है, उस पर आप किसी भी बाइक का भाई ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं ठीक है, गूगल पर भाई होता है बहुत ईजिली, वो आपको दिखाएंगे ऑनलाइन आप ईएमआई कैसे कैलकुलेट कर सकते हो अपने, मतलब अपने अकॉर्डिंग भाई कि कितना डाउन पेमेंट आप करना चाहते हो उतना डाउन पेमेंट करके भाई अपनी मर्ज़ी से भाई टोटली बढ़िया तरीके से ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो ऑनलाइन ठीक है। और इंटरेस्ट रेट भाई जो रहने वाला है मैं बताऊं भाई, वो 10% या 11% भाई हमारे इधर शोरूम पे लगाया है इन लोगों ने ठीक है, लेकिन जो आप ऑनलाइन ईएमआई कैलकुलेट करते हो करोगे ठीक है, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा जेन्युइन इंटरेस्ट रेट क्या रहने वाला है ठीक है। और भाई जो डिफ़ॉल्ट एक्सेसरीज़ हैं, मतलब कि जो कंपनी की तरफ से भाई प्राइस, मतलब कि एक्सेसरीज़ का एक ये भी रहता है कि हमारे को एक्सेसरीज़ भाई फ्री में मिलने वाली है बाइक के साथ, या फिर हमारे को इसके लिए कुछ प्राइस वाइज देखो बाइक के साथ हमारे को एक्सेसरीज़ दी जाती हैं, उसका भाई ये भी क्वेश्चंस रहता है काफ़ी सारा कि एक्सेसरीज़ हमारे को भाई बाइक के साथ भाई फ्री में मिलेगी या एक्सेसरीज़ के लिए हमें अलग से पे करना पड़ेगा, तो इसके बारे में जानते हैं ठीक है भाई। और वो कौन कौन सी एक्सेसरीज़ हैं जो हमें कंपनी से बाई डिफ़ॉल्ट मिलेंगी, चाहे भाई आप कैश में लो पूरा फुल्ली पेड करके या फिर भाई फाइनेंस पे लो, तो वो कौन कौन सी एक्सेसरीज़ है जो हमारे को कंपनी से मिलनी ही मिलनी है ठीक है। तो वो सभी ऑप्शंस आप अभी देखते हैं भाई। अमरजीत भाई हैं जो हमारे एक रेगुलर व्यूअर हैं ठीक है, उनकी भाई बहुत ज़्यादा भाई डिमांड थी भाई, वो पूछ रहे थे भाई कब लाओगे भाई फाइनेंस वाली वीडियो कब लाओगे, तो भाई फाइनेंस वाली भाई वीडियो आ चुकी है ठीक है, अब आप देख सकते हो ठीक है। और बताइएगा अगर हमारी कोई त्रुटि रह गई है ठीक है, तो कमेंट में करके हमें बता दीजिए। और आप लोगों के भी भाई बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, जिसमें भाई एक भाई ने पूछा है जैसे कि इस बाइक का भाई जो मीटर में भाई जो ये पेट्रोल वाला भाई ये दिखाता है भाई ठीक है, तो इन पेट्रोल के जो भाई एक एक पॉइंट है भाई इसका एक पॉइंट या दो पॉइंट भाई कितना पेट्रोल कंज्यूम कर लेता है, मतलब एक पॉइंट में भाई कितना पेट्रोल आ जाता है बाइक के टैंक में, तो ये भी भाई लोगों ने कहीं कमेंट करके पूछा है ठीक है, तो इसके बारे में भाई कमेंट्स देखते हैं। दूसरा भाई ये भी कमेंट किया है लोगों ने भाई कि इसका जो मीटर है भाई वो स्पीड सही से नहीं दिखा रहा है, इसका भाई जो सेल्फ बटन है, मतलब कि सेल्फ बटन से भाई कभी कभार भाई बाइक स्टार्ट नहीं होती है ठीक है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो काफ़ी भाइयों ने कमेंट करके पूछा, पूछ रहे थे भाई क्या बैटरी का कोई इशू है, कैसा इशू है भाई सेल्फ बटन को लेकर, इससे स्टार्ट नहीं होती है भाई एक दो बार। दूसरा भाई इसका अलॉय व्हील भाई, पिछली वीडियो जो हमने डाली थी उसमें भाई अलॉय व्हील का भी पूछा गया था भाई, अलॉय व्हील का क्या प्राइसिंग रहने वाला है, उसको उसके भी भाई बहुत भाई काफ़ी अच्छे अच्छे नॉलेजेबल भाई कमेंट किए हैं लोगों ने ठीक है। मैं आपको यही बोलूँगा कि भाई कमेंट्स भाई देखना भाई कैसे कैसे कमेंट्स किए गए हैं ठीक है। अब बात करते हैं अपने
भाई EMI ऑप्शंस भाई क्या क्या अवेलेबल हैं, मैं आपको भाई सबसे पहले वो ऑप्शन दिखाऊंगा। जब भाई E20 में बाइक्स नहीं आ रही थी, BS6 Phase 2 आया है ठीक है, उससे पहले जो हमने भाई बाइक परचेस करी थी ठीक है, तब भाई इसका क्या EMI ऑप्शंस था ठीक है, वो ऑप्शंस आपको दिखाते हैं ठीक है। और अभी करंट टाइम पे क्या ऑप्शन भाई ऑन रोड प्राइस है, क्या EMI ऑप्शन चल रहा है, वो भी दिखाते हैं ठीक है। तो सबसे पहले वो दिखाते हैं भाई, जब हम लोगों ने भाई बाइक परचेस करी थी तो भाई इसके क्या ऑप्शंस अवेलेबल है ठीक है। और आपको एक्सेसरीज़ भी भाई लिखवा के लाए हैं, वो एक्सेसरीज़ भी आपको जो जेन्युइन एक्सेसरीज़ हैं वो आपको दिखाते हैं ठीक है। तो भाई ये वाला जो आप देख रहे हो ब्रेकडाउन भाई प्राइस का, ये उस टाइम का है जब हम लोगों ने भाई बाइक परचेज़ करी थी ठीक है। ये उस देखो भाई स्प्लेंडर एक्सट्रैक्ट उस टाइम भाई ऑन रोड प्राइस भाई वही था भाई 89, 90, 94 ठीक है, 1000 रुपये जो उसमें देख रहे हो ठीक है। तो भाई उस टाइम हमारे को बस हमने यही पूछा था भाई हम हाफ डाउन पेमेंट करने वाले, तो डाउन पेमेंट आप देख सकते हो 51,000 रुपये यहाँ पर लिखे है। ये भाई पिछले टाइम की बात कर रहा हूँ, अभी करंट टाइम का भाई जो हम प्राइसिंग लिखवा के लाए हैं वो भाई इस वाले पेपर में ठीक है। तो अभी जो हम पिछले वाले का है उसके बारे में बात कर रहे हैं ठीक है। तो देखो उस टाइम भाई इसमें लिखा था भाई जो इसमें 5 ईयर्स की वारंटी दी जाएगी ठीक है, और 5 सर्विस होंगी 15 महीनों के लिए ठीक है। और इसमें देख सकते हो 4692 रुपये की भाई EMI बनी थी, मतलब किस्त बनी थी पर मंथ की, वो भी 1 साल के लिए 12 महीनों के लिए ठीक है। और यहाँ पे भाई एक्सेसरीज इन्होंने दी हुई है, सीट कवर था, व्हील लॉक था भाई, ब्रश बजर था, जो इसका इंजन भाई जो गियर चेंज करने वाले होते हैं इनकी रबड़ है, और ब्रेक की रबड़ थी ठीक है, वो एक्सेसरीज भाई दी गई थी हेलमेट के साथ। तो ये तो भाई पुरानी बाइक थी, तो हमारे को भाई जितना डिटेल चाहिए था उन्होंने उतना हमारे को यहाँ पे लिख कर प्रोवाइड हमारे को कर दिया था ठीक है। हमने हाफ डाउन पेमेंट का कहा तो उन्होंने हाफ डाउन पेमेंट का भाई उतना ही लिख दिया, ज़्यादा ऑप्शन हमारे को नहीं दिए थे। और भाई ये हमारी बाइक का रियल में भाई वो प्राइसिंग है जिस पे हमने फाइनेंस पे ली है, जो इसमें दिख रहा है भाई बिल्कुल इसी के एग्जैक्ट हमारी बाइक फाइनेंस पे है ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ठीक है। ये मैंने आपको दिखा चुकी है, अब भाई करंट टाइम पे इसका ऑन रोड प्राइस और क्या भाई फाइनेंसिंग ऑप्शन से चल रहे हैं वो आपको दिखाते हैं ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं भाई करंट टाइम पे भाई बाइक का ऑन रोड प्राइस क्या चल रहा है, EMI ऑप्शन क्या है ठीक है, और हमारे को क्या क्या एक्सेसरीज़ दी जाएगी, एक एक करके भाई ब्रेक डाउन करके बात करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे हम लोग भी हमारे को क्या क्या एक्सेसरीज़ दी जा रही हैं ठीक है, वो एक्सेसरीज़ पढ़ेंगे ठीक है, उस पेपर पर सब कुछ लिखा है। और हमारे भाई इसके भाई क्या क्या भाई डॉक्यूमेंट्स इसके साथ बाइक के साथ लगेंगे ठीक है, वो वाले डॉक्यूमेंट्स भी हम लिखवा के लाए हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं ठीक है, वो भी भाई पहले देखेंगे, फिर इसके भाई EMI ऑप्शंस देखते हैं ठीक है। तो सबसे पहले भाई मैं इसके ऑन रोड प्राइस की बात बताए देता हूँ ठीक है, वो इस पे उन भाई ने लिखा है ठीक है। पहले जो इसका ऑन रोड प्राइस था भाई वो 89,95 कुछ था ठीक है, अभी इसका ऑन रोड प्राइस उन्होंने लिखा है भाई 95,000 क्रॉस कर चुका है ठीक है। अब आप ये मत सोचना कि इसका ऑन रोड प्राइस भी कभी कम आएगा तब हम देखेंगे भाई, ऐसा नहीं होने वाला है। बाइक्स में भाई नए नए फीचर्स नई नई टेक्नोलॉजीज ऐड करती जा रही हैं, प्राइस भाई उतना ही बढ़ता जा रहा है ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्राइस में फ़र्क आया है। इसका ऑन रोड प्राइस भाई 95,000 कुछ बताया था ठीक है, तो वो आपको दिखाते हैं। अब सबसे पहले भाई बात करते हैं कि इसमें हमारे को क्या क्या एक्सेसरीज साथ में दी जा रही थी ठीक है। तो आप देख सकते हो भाई स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक है भाई, जेड ब्लैक इन्होंने लिखा है, लेकिन भाई ये जेड ब्लैक ही है कलर, क्योंकि ये जो स्ट्रिप्स आप देख रहे हो ब्लैक ब्लू, ये तो भाई ऊपर से स्ट्रिप्स हैं, बाकी ये पूरी बाइक भाई जेड ब्लैक ही है ठीक है। और इसका भाई आप देखो भाई यहाँ पे लिखा है कि एक जो टूल किट है, मेडिक किट है, जो कि भाई इसके अंदर भाई रखी होती है ठीक है यहाँ पर, तो वो मिलेगी हमारे को ठीक है, वो तो भाई भाई कंपनी से ही प्रोवाइड की जाती है। ये एक्सेसरीज में क्या देंगे भाई, एक हेलमेट आएगा ठीक है, एक्सेसरीज़ में हमारे को एक्सेसरी में भाई हेलमेट मिलने वाला है, और भाई ग्रिप कवर मिलने वाला है, सीट कवर मिलने वाला है ठीक है। ग्रिप कवर जानते हो आप भाई, सीट कवर जो हमारी बाइक पर भाई आप ये देख रहे हो ठीक है, ये भाई सीट कवर लगा हुआ है बाइक पर ठीक है, जो कंपनी से उन्होंने लगाया था। और ग्रिप कवर मतलब कि ये जो है हैंडल का जो ये ग्रिप कवर है, ये ग्रिप कवर मिलने वाला है ठीक है। तो ये सीट कवर, ग्रिप कवर, हेलमेट किट, ये मैंने बता चुका है ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो भाई इंडिकेटर साइड का जाल मिलेगा ठीक है, तो साइड का जाल मिलेगा, हर्ष पकड़ ले उड़ जाएगा, साइड का जाल मिलने वाला है ठीक है। मतलब कि ये वाला जो जाल है ये तो भाई हमारे को भाई कंपनी की तरफ से भाई डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड किया गया है, लेकिन जो दूसरी साइड वाला ये जाल है भाई वो हमारे को मिलेगा एक्सेसरीज़ के तौर पर। और यहाँ पे आप देख सकते हो बज़र मिलेगा, जो इंडिकेटर भाई जलाने पे भाई जो आवाज़ आती है ठीक है, वो बज़र मिलने वाला है आपको, साथ ही साथ में दिखाता जाता हूँ ठीक है। जो ये भाई इंडिकेटर का भाई ये जो जलता है, जैसे कि अभी आपको आवाज़ आप आ रही होगी, ये वाले बज़र मिलेंगे आपको। और आपको क्या क्या मिलने वाला है, इंडिकेटर बज़र, फिर आपको व्हील लॉक मिलेगा
ठीक है, मतलब कि ये वाला जो व्हील लॉक होता है बाइक को लॉक करने के लिए, ये वाला व्हील लॉक हमारे को प्रोवाइड किया जाएगा एक्सेसरीज़ के तौर पे। और आपको क्या मिलने वाला है, और भाई साथ में ये जो इंजन आर, ये ब्रेक आर देख रहे हो भाई, ये इंजन की रबड़ है, इंजन मतलब, और ये ब्रेक रबड़ है, मतलब कि ये जो भाई ब्रेक्स की जो ये लीवर देख रहे हो आप, ठीक है, इन लीवर्स पे भाई ये जो रबड़ चढ़ रही है, ठीक है, ताकि इसका पेंट वेंट ना छूटे, भाई उंगलियों को भी थोड़ा आराम मिल सके, ठीक है, तो ये वाली रबड़ मिलेगी आपको। दूसरा भाई इन पे जो भाई गियर शिफ्टर्स के लिए दी गए इंजन में, ठीक है, इन पे भाई रबड़ चढ़ी हुई आती है, वो हमारे बैग में रखी हुई है, हर्ष निकाल के रखी हुई रबड़, ठीक है। और एक आपको ये वाली ब्रेक की रबड़ मिलने वाली है, ठीक है, तो ये सारी रबड़ आपको मिलने वाली हैं, फटाफट दिखा। तो देखो भाई हमारे, हमने भाई जो इसके इंजन के वाली वो रबड़ है भाई, वो लूज़ होके भाई बार बार गिर जा रही थी, तो हमने भाई बैग में रख लिया, ठीक है, तो ये वाली रबड़ आपको मिलने वाली है, ठीक है, जो कि भाई गियर लीवर्स के साथ फिट की जाती है। और दिखा फटाफट दिखा, लेट मत कर। तो भाई देख सकते हो, ठीक है, तो ये भाई रबड़ आपको मिलने वाली है, जो कि भाई यहाँ पे ये वाली फ़िट होगी और ये वाली यहाँ पे फिट होगी, ठीक है, इस तरह से। भाई ये भाई बार बार लूज़ होकर भाई निकल जा रही थी, तो हमने भाई ये निकाल के बैग में रख लिया। तो ये भाई एक्सेसरीज आपको साथ में दी जा रही हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं भाई जो आप भाई वहाँ पे परचेज़ करने जाओगे, फिर आपको भाई देने पड़ेंगे, ठीक है। और ये हैं भाई वो सारे के सारे जो EMI ऑप्शंस हैं अवेलेबल, जो आपको अभी हम पता करने वाले हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, आपको मैटिक टूल किट मिलने वाली है, ग्रिप कवर मिलने वाला है, सीट कवर मिलने वाला है, ठीक है, साइड का जाल मिलने वाला है, बजर मिलने वाला है, व्हील लॉक मिलने वाला है, और जो इंजन का भाई रबड़ है वो, और ब्रेक रबड़ मिलने वाली है, ठीक है। अब देखिए भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो हैं अपने साथ लेके जाने हैं। भाई डॉक्यूमेंट्स में इन्होंने भाई लिखा है एक आधार कार्ड चाहिए, हो सके तो पैन कार्ड ले जा सकते हैं, और बैंक की डिटेल्स भी होनी बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि बैंक का भाई आपको पासबुक लगेगी, डेबिट कार्ड चाहिए भाई, डेबिट कार्ड लगेगा, और चेकबुक, ठीक है। मैं आपको बताऊं, आपका भाई बस आधार कार्ड ले जाइएगा और अपनी बैंक की पासबुक और जो डेबिट कार्ड है वो तो भाई ज़रूर से ले जाइएगा, ठीक है। और हो सके तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी भाई बिल जो रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेपर है, वो लेके चली जाइए, ठीक है। अब बात करते हैं भाई इसके डाउन पेमेंट का, भाई जो ब्रेक डाउन में हमने करवाया है, ठीक है, वो क्या क्या है। तो ठीक है दोस्तों, अब इसके EMI ऑप्शंस देखते हैं, ठीक है। और मैंने आपको भाई बता दिया क्या क्या एक्सेसरीज हैं, वो आपको भाई बाद में फिर से अभी आपको रिमाइंड करा दिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स के तौर पे भाई आपको पासबुक ले जानी है, डेबिट कार्ड ले जाना है, ठीक है, एक आधार कार्ड ले जाना है, और भाई हो सके तो पैन कार्ड ले जाइएगा, ठीक है। ये आपको भाई सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी एक्सेसरीज आपको स्क्रीन पर भी भाई दिखा दी जाएगी, और जितनी भी भाई एक्सेसरीज हैं हमारी बाइक में इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है, वो भी आपको बात कर ली है। अब EMI ऑप्शंस देखते हैं भाई, मिनिमम EMI ऑप्शंस, ठीक है। तो भाई देखो, सबसे पहले जो EMI ऑप्शन लिखा हुआ है भाई, वो 20,000 रुपये अगर आप डाउन पेमेंट करते हो, ठीक है, तो 20,000 रुपये डाउन पेमेंट करने पे भाई 24 महीने, 30 महीने, 36 महीने, यानी कि भाई अगर आप 2 साल की भाई किस्त बनवाते हो तो आपको 3,589 रुपये तक भाई पर मंथ देने पड़ेंगे, ठीक है। 36 महीने के लिए करवाते हो तो आपको भाई 2,584 रुपये तक देने पड़ेगा पर मंथ का किस्त पड़ेगा, और 30 महीने करवाते हो 2,986 रुपये तक देने पड़ेंगे, ठीक है। तो भाई 20,000 रुपये डाउन पेमेंट करने पे एक बार फिर देख सकते हो, 24 महीने भाई 3,589, 30 महीने के लिए 2,986 रुपये, ठीक है, 36 महीने के लिए 2,584 रुपये, ये भाई 20,000 रुपये डाउन पेमेंट करने के लिए है, ठीक है। अब भाई एक और चीज़ भाई मैं आपको बता देता हूँ यहाँ प्राइसिंग में, भाई देखो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग होते हैं भाई जो बाइक फाइनेंस ऑप्शंस आपको भाई दिखाते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है। भाई मैंने 2-3 लोगों से पूछा तो उन्होंने भाई अलग अलग, जैसे 40,000 रुपये डाउन पेमेंट के भाई उन्होंने अलग अलग EMI ऑप्शंस बताए हैं, वो भी लिस्ट पे लिखे हुए हैं, वो आपको बताते हैं, ठीक है। तो 20,000 रुपये का भाई हमने डाउन पेमेंट का भाई EMI ब्रेक डाउन देख लिया। अब भाई देखते हैं 30,000 रुपये डाउन पेमेंट करने पे भाई कितना है। तो देखो अगर आप 30,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हो और फिर जो किस्त बनवाते हो वो 2 साल के लिए, 12 महीनों के लिए, 24 महीनों के लिए, 36 महीने के लिए बनवाते हो, मतलब 2-3 साल के लिए बनवाते हो, तो आपको कितना प्राइसिंग करना पड़ेगा भाई। भाई दो मतलब 12-24 महीनों के लिए भाई आपको 3,093 रुपये देने पड़ेंगे, 36 महीनों के लिए आपको 2,227 रुपये देने पड़ेंगे, और 30 महीने के लिए 2,573 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। ये भाई EMI किस्तें हैं, ठीक है, ये 24 महीनों की, 30 महीने की, 36 महीने की, मतलब कि आपको पर मंथ 24 महीनों के लिए हर एक महीने जब तक 24 महीने पूरे नहीं हो जाते तब तक आपको 3,093 रुपये देने ही पड़ेंगे अगर आप 30,000 डाउन पेमेंट करोगे। और वो बात अलग है, आप जितना भाई डाउन पेमेंट ज़्यादा रखोगे उतना भाई आपके EMI
ऑप्शंस मतलब जो ईएमआई हैं वो किस्तें कम होती चली जाएंगी धीरे धीरे करके, ठीक है। तो ये भाई 30,000 रुपये की भाई हमने बात करी थी, अगर आपको चाहिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो में साफ साफ नज़र आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं अगर आप लोग भाई आपका बजट और भी बढ़िया है, आप और भी ज़्यादा डाउन पेमेंट अच्छा कर सकते हो, ठीक है, तो क्या क्या है। देखो भाई 40,000 रुपये का डाउन पेमेंट जो, और भाई साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ जो मैं ये ईएमआई ऑप्शंस बता दिए हैं भाई, ठीक है, तो इनके साथ आप लोगों का ये क्वेश्चन ज़रूर होगा कि भाई तो इनके साथ हमारे को सारी की सारी एक्सेसरीज़ भाई फ्री में दी जाएंगी कंपनी की तरफ से या नहीं दी जाएंगी, तो ये भी साथ के साथ आप जान लीजिए भाई। जो मैंने अभी ये जो ईएमआई ऑप्शंस बता रहा हूँ, ठीक है, 20-30 हज़ार रुपये का, ठीक है, तो इसमें भाई आपको कोई भी एक्सेसरीज़ है वो फ्री में भाई कंपनी की तरफ से प्रोवाइड नहीं की जाएगी, ठीक है। उसके लिए आपको भाई अलग से पे करना पड़ेगा एक्सेसरीज़ के लिए। बस आपको एक्सेसरीज़ के तौर पे भाई जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें भाई इसमें आएंगी वो क्या क्या हैं, आपको एक तो भाई ये वाला जो लेग गार्ड है, ठीक है, ये वाला लेग गार्ड भाई कंपनी की तरफ से डिफ़ॉल्ट मिलेगा, और दूसरा ये जो भाई आप इसका भाई इसका मफलर देख रहे हो भाई, एग्जॉस्ट का जो ये मफलर है ये आपको मिलेगा, तो ये डिफ़ॉल्ट के तौर पे भाई आपको मिलने वाले हैं। और कोई एक्सेसरीज़ यहाँ तक कि आपको हेलमेट, व्हील लॉक, ये रबड़ करीब करीब सीट कवर ये नहीं मिलने वाले हैं इन वाले ईएमआई ऑप्शंस पे जो मैं आप बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मिनिमम ईएमआई ऑप्शंस हैं, वो भी तब जब आपके भाई एक्सेसरीज़ और प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ खाली अपनी बाइक ले जाना चाहते हो, ठीक है, तो ये नहीं मिलने वाले हैं। इसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा, फिर आपका अलग से भाई ईएमआई का हिसाब रहेगा, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं भाई 40,000 रुपये का। तो देखो भाई वहाँ पे जो एक भाई थे उनसे हमने भाई पूछा, देखो यहाँ पे 40,000 रुपये का डाउन पेमेंट का भाई अलग प्राइसिंग दिखा रखा है, और देखो यहाँ पे 40,000 रुपये का ही भाई ये भी प्राइसिंग है, ये अलग दिखा रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले इस पर बात करते हैं, तो देखो इसमें इन्होंने क्या लिखा है भाई, 24, 30, 36 महीनों का ही भाई वो बता रखा है कि अगर 40,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हो तो 2,601 रुपये भाई आपको 24 महीनों के लिए पर मंथ की किस्त देनी पड़ेगी, ठीक है। 30 महीनों के लिए भाई 2,164 रुपये की भाई किस्त देनी पड़ेगी 40,000 रुपये डाउन पेमेंट करने पे, ठीक है। और वहीं 36 महीनों की अगर आप करवाते हो तो 1,873 रुपये भाई डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। और चाहो तो भाई आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ये 40,000 डाउन पेमेंट करने पे। और रही बात भाई एक साल की यानी 12 महीनों की, अगर आप 20,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हो तो आपको 6,000 कुछ रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी आप जो ईएमआई कैलकुलेटर हो, फाइनेंस ऑप्शन भाई खुद से कैसे कैलकुलेट कर सकते हो वो आप ऑनलाइन गूगल से कर सकते हो, वो आपको अभी हम दिखाने वाले हैं करके कि कैसे होता है कैलकुलेट, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, आप खुद से कर सकते हो, किसी से पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो जो भाई इन्होंने यहाँ पे लिखा है भाई 40,000 का जो दूसरा है, अब वो देखो भाई, तो यहाँ पे भाई इन्होंने 40,000 रुपये का भाई देखो अधिक दूसरे भाई ने उन्होंने क्या लिखा है भाई, 12 महीनों के 5,360 रुपये भाई, देखो इन्होंने भाई कितना बड़ा चढ़ा के भाई लिखा हुआ है। और देखो 18 महीने के 3,770 और 24 महीने 2,980, 36 महीने 2,584 रुपये। तो भाई जैसे जैसे आपका भाई देखो डाउन पेमेंट ज़्यादा रहेगी आपके ईएमआई उतना ही कम रहेगा, और अगर आप समय बढ़ाते जाते ड्यूरेशन तो आपके ईएमआई भाई कम तो होता जाएगा पर मंथ का, लेकिन भाई टाइम ज़्यादा मतलब समय ज़्यादा खिंच जाएगा आपका। अब बात करते हैं भाई अगर आप हाफ डाउन पेमेंट करते हो, भाई मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप डाउन पेमेंट करने जा रहे हो तो मिनिमम भाई जो डाउन पेमेंट का ऑप्शन आपको शोरूम पे प्रोवाइड किया जाएगा वो यही रहेगा कि आप भाई 20-30 हज़ार रुपये आप डाउन पेमेंट जमा करो, उसके बाद बाइक ले जा सकते हो। आजकल भाई अगर आप 15-10 हज़ार रुपये लेके जाओगे तो सबसे पहले तो भाई शोरूम वाले आपसे मना कर देंगे, इतना डाउन पेमेंट नहीं चलेगा, आपको मिनिमम भाई 20,000 रुपये तक डाउन पेमेंट करना पड़ेगा तभी जाके भाई आप फाइनेंस करवा सकोगे बाइक को, ठीक है। ये मैं बिल्कुल जेन्युइन बता रहा हूँ। और जो भाई मैं अभी ईएमआई ऑप्शन भाई दिखा चुका हूँ ना, इनमें भाई 100-200 रुपये भाई आप अप डाउन ही मानना भाई, वो आपकी सिटी के अकॉर्डिंग, आपके एरिए के अकॉर्डिंग, आप किस राज्य में रहते हो उसके अकॉर्डिंग भाई डाउन पेमेंट, ऑन रोड प्राइस, फाइनेंसिंग ऑप्शन भाई अलग अलग होंगे। मेरे यहाँ पर इतना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब भाई मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, सब भाई उन्होंने की तरफ से ही लिखा गया है, ठीक है। अगर आप चलो भाई देखते हैं, अगर आप 50,000 रुपये भाई डाउन पेमेंट करते हो तो क्या ईएमआई ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, अगर आप 50,000 रुपये भाई डाउन पेमेंट करते हो, ठीक है, तो आपको भाई 24 महीने की अगर मतलब 2 साल की आप किस्तें बनवाते हो तो 2,110 रुपये देने पड़ेंगे, वो भी तब जब आपको भाई कोई भी एक्सेसरीज नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको एग्जॉस्ट का मफलर मिलेगा और लेग गार्ड मिलेगा, ठीक है। 30,000 रुपये जमा करते हो तो 1,755 रुपये, 36,000 रुपये अगर आप जमा करोगे तो 1,519 रुपये भाई आपको देने पड़ेंगे पर महीने की किस्त की, ठीक है, और वो भी 50,000 रुपये डाउन पेमेंट, मतलब कि जब आप इस बाइक का आधा पेमेंट ऑलमोस्ट कर दोगे तब, ठीक है। और अगर आप भाई फुल्ली कैश में लेना चाहते हो तो भाई आपको
यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, 97,000 आपको 800 रुपये रखे है, तो ये भी आपको लगभग भाई 98,500-400 कुछ की भाई कैश में बाय हैंड भाई कैश पे करोगे तब आपको मिलने वाली है भाई। तो भाई ये इतना सब कुछ भाई, इसका EMI ऑप्शंस अवेलेबल था, आप देख सकते हो, मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है। एक बार मैं फिर से आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है, ताकि आप अगर भाई चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये देखो भाई 20,000 रुपये का डाउन पेमेंट 24-30-36 महीनों का, ठीक है, और ये भाई 30,000 रुपये का डाउन पेमेंट, ठीक है, और EMI ऑप्शंस उसके भाई, और ये भाई 40,000 रुपये का डाउन पेमेंट EMI ऑप्शंस, और ये 50,000 रुपये का डाउन पेमेंट EMI ऑप्शंस, और ये सारी भाई एक्सेसरीज़ हैं, ठीक है, आपको अभी फिर से मेंशन करवा देंगे क्या क्या एक्सेसरीज़ हैं भाई, आप चाहो तो भाई इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये साइड में भाई डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, तो मैं ढंग से दिखा रहा हूँ। और एक और चीज़ है भाई, इन्होंने भाई देखो भाई जो मेन चीज़ है वो तो भाई रही जाती है, इसको मत भूल जाना, ठीक है, कि भाई इन्होंने बाकी का प्राइस जो ब्रेकडाउन है वो कैसे करके हमारे को दिखाया था। तो देखो भाई जो लेग गार्ड है वो 500 रुपये तक का रहने वाला है एक्सेसरीज़ के तौर पे, इंश्योरेंस भाई ये थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी मतलब 5 साल का वारंटी जो रहना है 7,620 रुपये तक का इंश्योरेंस करके मिलेगा, ठीक है, और जो RTO डिलीवरी चार्जेस होता है, RTO चार्जेस मतलब इसमें भाई आपका नंबर प्लेट कर रह गया वो सब कुछ भाई जोड़ जाड़ के 10,879 रुपये रहने वाले हैं। ये HPGL भाई इनके अदर कॉस्ट 1,299 रुपये, हेलमेट आपको 550 रुपये का मिलेगा, ठीक है, एक्सेसरीज़ भाई 1,000 रुपये तक की मिल जाएगी, टोटल ऑन रोड भाई इन्होंने देखो क्या लिखा है 1,636 रुपये, ठीक है। तो ये इन्होंने अदर भाई प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करके भाई अपना एक्सेसरीज़ का भाई ऑन रोड प्राइस का तक का भाई करके दिखाया, ठीक है, जो अब भाई आप लोग सोचते हो भी RTO टैक्सेस चार्जेस भाई कितना हमारे को पड़ने वाला है ऑन रोड, तो वो एक बार फिर से आप देख लीजिए भाई, जो RTO का भाई जितना भी भाई काम रहेगा, RTO डिलीवरी चार्जेस रहेगा भाई, वो लगभग 10,879 रुपये तक का रहेगा। तो ये वो प्राइसिंग है भाई लेग गार्ड इंश्योरेंस का, ये है SPGL हेलमेट एक्सेसरीज, ये है बाकी भाई टोटल ब्रेकडाउन, ये भाई मैंने आपको करके दिखाया हुआ है, ठीक है। अब भाई आप लोग सजेस्ट करके बताइए कि क्या क्या भाई मैंने अब यहाँ पे इस वीडियो में भाई गलती करी है। अभी आपको भाई एक चीज़ और रह रही है जो आपको दिखाना है भाई, ऑनलाइन से EMI आप खुद से कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो, ठीक है, और भाई फिर से आपको रिमाइंड कराए देंगे आपको क्या क्या एक्सरसाइज भाई मिली हैं। तो सबसे पहले चलो ऑनलाइन EMI कैसे कैलकुलेट करते हैं वो दिखाते हैं चल के, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अब आपको दिखाते हैं भाई आप खुद से अपना EMI भाई कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो भाई, गूगल से ही आप घर बैठे कर सकते हो, फिर आपको इधर उधर जाने की भाई पूछताछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको खुद से अंदाज़ा लग जाएगा भाई किस तरह से हम लोग EMI कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई, आपको गूगल पे आके लिखना है, ठीक है, मैंने भाई पहले से ही सारी चीज़ें देखो ये क्या लिखा है, स्प्लेंडर एक्सटेक ऑन रोड प्राइस, यहाँ पर ये छोड़ो, स्प्लेंडर एक्सटेक EMI कैलकुलेटर आपको ये सर्च मारना है, ठीक है, और सर्च कर देना है, ठीक है। और सर्च मारने के बाद यहाँ पे आपको भाई पहला ऑप्शन दिख रहा होगा बाइक देखो भाई .com जो है उनकी तरफ से आया। अब यहाँ पे आप कोई भी भाई EMI कैलकुलेशन भाई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है भाई, यहाँ पे बिल्कुल जेन्युइन रेट पे भाई जेन्युइन इंटरेस्ट रेट पे आपको कैलकुलेशन करके दिखा देगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको और जूम करके दिखा सकता हूँ भाई ऑनलाइन से आप EMI कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे भाई इन्होंने भाई लिखा हुआ है कि स्प्लेंडर कैलकुलेट योर लोन EMI फॉर स्प्लेंडर एक्सटेक हीरो है भाई, स्प्लेंडर एक्सटेक है SDD मतलब है DRL में मिलेगी। फिर यहाँ पे देख सकते हो डाउन पेमेंट के लिए भाई ये लाइन सी दी हुई है, और इंटरेस्ट रेट भाई अगर इंटरेस्ट रेट भी भाई आप अपनी भाई जो आपका शोरूम है उसके अकॉर्डिंग भाई बढ़ा सकते हो, मतलब कि जैसे कि इस पे इंटरेस्ट रेट फिलहाल जो भाई सेट है डिफ़ॉल्ट भाई 9.7% है भाई, जैसे कि अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको बढ़ाना है तो सिंपली ये वाली जो लाइन देख रहे हो आपको इसको बढ़ा देना है। देखो भाई हमारे इधर भाई 11% पे ही भाई इंटरेस्ट रेट लगाया जा रहा है, ठीक है, तो ये 11% हो चुकी है अगर हम, और डाउन पेमेंट यहाँ 9,000 सेट है, तो देखो आपको डाउन पेमेंट जैसे कि 20,000 करना चाहते हो तो इसको भाई बढ़ाया तो देखो वहाँ पे भाई 21,000 रुपये डाउन पेमेंट लिख के आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो EMI ऑप्शंस क्या हैं, यहाँ पे लिखा है भाई 36 महीनों के लिए अगर आप करवाते हो तो आपको EMI 2,383 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है, तो ये सीधा सीधा लिख के आ गया। और आप देखो यहाँ पे ऑन रोड प्राइसिंग भी भाई आपको दिखा देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे सब लिखा हुआ है, ठीक है, एक मिनट फोकस करने दीजिए, ठीक है। तो
तो भाई देखिए यहाँ पे जो ऑन रोड प्राइसिंग लिखा हुआ है वो देख सकते हो आप, लिखा है 6688 रुपये लिखा है। टोटल लोन अमाउंट भाई 72,000 का भाई लोन पड़ेगा आपका भाई, EMI कैलकुलेट करके दिखाएगा, ठीक है। पेएबल अमाउंट जो बनेगा भाई वो दिखाएगा भाई 85,000 और बिल पे भाई इतना दिखाएगा, ठीक है। और जैसे कि भाई आपने डाउन पेमेंट भी भाई यहाँ पे सेट करके रख लिया है, ठीक है, कि आप एक मिनट रुक जाइए, ठीक है, कि आप 21,000 रुपये डाउन पेमेंट करने वाले हो, ठीक है। और भाई इंटरेस्ट रेट इसका बढ़ गया, जैसे इंटरेस्ट रेट मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, जैसे इंटरेस्ट रेट इसका भाई 11% रहने वाला है। तो इस इंटरेस्ट रेट पे जैसे कि भाई यहाँ पे देख सकते हो कितने महीनों की भाई आपको EMI चाहिए, तो आपको अगर चाहिए तो भाई 12 महीनों की EMI लेना चाहते हो तो यहाँ पे 12 महीनों को भाई सिलेक्ट कर सकते हो, 18 महीनों की चाहिए तो 18 महीने, 24 महीने चाहिए तो भाई 24 महीने पे भाई सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और 30 महीने की चाहिए तो भाई यहाँ पे 30 महीने सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि 12 महीनों का भाई देखो, अगर आप 21,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हो वो भी 11% की रेट इंटरेस्ट रेट से, तो भाई आपका पर मंथ का EMI बैठेगा 6,431 रुपये, ठीक है। तो आप इस तरह से घटा बढ़ाकर भाई खुद से EMI चेक कर सकते हो भाई, ये बहुत अच्छे भाई कैलकुलेटर है ऑनलाइन से। अब आप लोगों के प्यारे प्यारे से कॉमेंट्स देखते हैं जो आप लोग करते हो, ठीक है। तो इस तरह से भाई आप खुद से EMI कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए दोस्तों अब आपके भाई कमेंट्स देखते हैं जो आप लोगों ने भाई नॉलेजेबल भाई प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। भाई पूछते हो कि इसके भाई एक पॉइंट में भाई कितना पेट्रोल फिल हो जाएगा टैंक में भाई, जो मीटर में दिखाता है, ठीक है। और पूछ रहे थे भाई कि इसके मीटर भाई स्पीड हमारे को भाई दिखाई नहीं रहा है, कस ढंग से भाई स्पीड कम ज़्यादा दिखा रहा है, मतलब स्पीड मीटर काम नहीं कर रहा है लोगों का भाई, सेल्फ बटन से बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, सेल्फ बटन काम ही नहीं करता कभी कभी। पूछ रहे हैं बैटरी का इशू है कोई, या भाई कोई डिफ़ल्ट भाई फीचर में इसमें कमी आई है, ठीक है, या फिर इसका भाई अलॉय व्हील का भाई प्राइसिंग। बहुत सारे नॉलेजेबल कमेंट हैं, वो कमेंट्स देखते हैं आपको फटाफट, ठीक है। और कमेंट्स देखने के बाद एक बार आपको भाई फिर से रिमाइंड करा देते हैं कि क्या क्या एक्सेसरीज हमारे को मिलने वाली है विद किन किन भाई की EMI ऑप्शंस के साथ, ठीक है। फिर से रिमाइंड करा देते हैं, फिर वीडियोज़ को एंड करते हैं, ठीक है। तो चलो आपके कमेंट्स से, तो दोस्तों ये रही वो आपके कमेंट्स जो भाई आप लोग भाई प्यार से कभी भाई पूछते हो हम लोगों से। तो भाई देखो यहाँ पे ये शुभम वर्मा करके है, इन्होंने पूछा भाई एक पॉइंट में कितना ऑयल होता है इसमें भाई प्लीज़ वीडियो बनाओ, मतलब कि भाई ये लोग पूछना चाहते हैं जैसे भाई बाइक के मीटर में भाई जो दिखाते हैं भाई कि एक बार में भाई एक पॉइंट दो पॉइंट इसका कितने भाई पेट्रोल फिल होने पे टैंक में भरता है, ठीक है। मेरे ख्याल से भाई एक पॉइंट जो रहता है भाई तकरीबन 1.5 लीटर होने पे भाई भरता है, ठीक है। सचिन यादव कहते हैं भाई मैंने आज ही लिया है भाई, और भी भाई प्यारे प्यारे कमेंट्स में भाई वो दिखाते हैं भाई। ये भाई अलॉय व्हील का प्राइस बताया था भाई 4,142 रुपये इन्होंने भाई पूछा। देखो कहते हैं भाई एक अलॉय व्हील का प्राइस, मैंने भाई पिछली वीडियो में जो प्राइसिंग बताया था मैंने आपसे कहा भाई 10-15 हज़ार रुपये भाई मेरे हमारे यहाँ भाई, आपको सच बताता हूँ भाई दोनों अलॉय व्हील्स आप अगर लेते हो भाई बढ़िया बेस्ट क्वालिटी के, ठीक है, आपको 10-15 हज़ार रुपये ही लगेंगे, ठीक है। अब भाई आपके यहाँ भाई सस्ता पड़ रहा है तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। और भाई यार माफ़ करिएगा मैं खोल के दिखा नहीं सकता भाई, ये अपडेट होने भाई कुछ इशू आया है, ठीक है। बाकी भाई बहुत प्यार प्यार कमेंट्स है वो आपको दिखाते हैं किन किन भाई ने भाई कमेंट करके पूछा है। और देखो भाई यहाँ पे इस गाड़ी में टाइम कैसे आएगा भाई, ये पूछते हैं भाई इस गाड़ी में भाई टाइम कैसे आएगा, मतलब ये जो भाई हैं संतोष कुमार भुक्ता करके पूछते हैं भाई इसमें टाइम कैसे दिखता है, डेट कैसे दिखेगा भाई। इस गाड़ी में भाई टाइम डेट देखने को नहीं मिलता है भाई। MS रवि कह रहे हैं भाई हमको हेलमेट नहीं दिया है, और भाई भाई बाइक को 1 साल 6 महीने हुआ है भाई, बाइक का कार एक्सीडेंट हो गया तो भाई इंश्योरेंस के बारे में भाई पूछ रहे हैं। और भाई ये टैग प्लस काना करके भाई इनका भाई बहुत थैंक यू भाई, ये पूछ रहे थे कह रहे थे भाई आप डेली बेसिस पर भाई वीडियोस डालो, ठीक है, ताकि अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाए। और भाई क्या क्या है ऑप्शंस, देखो भाई संजय कुमार है भाई इसमें पूछ रहे हैं भाई ये संजय तोमर करके भाई डेली बाइक चलानी है ज़रूरी है क्या। और ये हैं भाई सुनील भाई जो कह रहे हैं भाई मेरा बाइक सेल्फ से कभी स्टार्ट होती है कभी स्टार्ट नहीं होती है भाई, कोई बैटरी का इशू है क्या, तो भाई ये पूछ रहे थे। तो और भी भाई प्यारे भाई आपने बाइक दूसरी साइड क्यों लगवाया भाई, ये क्या फिर बात हुई भाई, काफ़ी अच्छे अच्छे भाई कमेंट्स, ठीक है भाई बहुत सारे नॉलेजेबल कमेंट्स हैं भाई, मैं आपको इन्हें खोल के नहीं दिखा पाया इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ भाई। स्टूडियो भाई अभी अभी मैंने अपडेट मारा तो भाई पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये ओपन नहीं हो रहे हैं, जैसे कि भाई इसे देखो मैं ओपन कर रहा हूँ तो देखो इसे भी ओपन कर रहा हूँ तो भाई देखो समथिंग वेंट रॉन्ग में लिख के आ रहा है, ठीक है। बाकी भाई आपको माफ़ी चाहता हूँ पिछली वीडियो में कमेंट्स नहीं दिखा पाया, तो भाई ये प्यारे प्यारे कमेंट्स से मैंने आपको फिर भी रीड करवा दिए हैं, ठीक है। और भाई अब आप चलते हैं भाई बाइक की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे कमेंट्स आपको रीड करा दिए हैं, अब आपको भाई बताते हैं एक बार फिर से रिमाइंड कराए देते हैं कि क्या क्या भाई एक्सेसरीज़ भाई बाइक के साथ मिलने वाली है।
तो दोस्तों ये रही भाई वो एक्सेसरीज़, एक आपको टूल किट मिलेगा, मेडिकल किट मिलेगा, हेलमेट मिलेगा भाई, ग्रिप कवर मिलेगा, जो ग्रिप कवर मिलेगा ठीक है, सीट कवर मिलेगा, साइड इंडी साइड का जाल मिलेगा, बजर मिलेगा, व्हील लॉक मिलेगा, इंजन की रबड़ मिलेगी, ब्रेक की रबड़ मिलेगी ठीक है। और ये भाई डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक में पासबुक और डेबिट कार्ड और चेकबुक हो सके ठीक है, हो सके तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी चलेगा। और ई एम आई ऑप्शन भाई वीडियो में दिखा दिए हैं, आप चाहो भाई पैक करके देख सकते हो ठीक है। तो एक और बार देखो, जैसे कि हमारी बाइक में सारी भाई एक्सेसरीज़ इंस्टॉल्ड हैं ठीक है, और आपको बता देता हूँ भाई कि वो एक्सेसरीज़ भाई कैसे कैसे मिलने वाली है ठीक है। जैसे कि आपको भाई ये वाला ग्रिप मिलेगा, हैंड ग्रिप ठीक है, ये वाला मतलब ये वाला ग्रिप इंडिकेटर का भाई, ये वाला ग्रिप कवर है ये मिलेगा आपको भाई, ये वाला सीट कवर मिलेगा ठीक है आपको। साथ ही साथ भाई ये जो आप देख रहे हो ये मफलर हैं भाई ठीक है, आपको ये व्हील लॉक मिलेगा। साथ ही साथ ये जो ब्रेक पे भाई ये जो रबड़ रहता है ये मिलेगा। और भाई जो गियर लीवर भाई चेंज करते हैं ठीक है, उन गियर लीवर पर जो भाई कवर्स रहते हैं, रबड़ रहते हैं ठीक है, वो मिलने वाले हैं ठीक है। तो ये सारी एक्सेसरीज़ हैं आपको मिलने वाली हैं, पर जो मैंने ईएमआई ऑप्शंस भाई आपको बताई हैं उनके साथ आपको इन एक्सेसरीज़ में से हो सकता है भाई सिर्फ हेलमेट मिले, बाकी एक्सेसरीज़ ना मिले ठीक है। उनके लिए एक्सेसरीज़ के लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। मैंने सिर्फ वो ईएमआई ऑप्शंस बताए हैं ठीक है, जो मैं वहाँ से लिखवा के लाया हूँ, जिसमें कि सिर्फ आपको खाली बाइक चाहिए पैसे पे करके ठीक है, बाकी की एक्सेसरीज़ लेने के लिए आपको अलग से भाई पे आउट करना पड़ेगा ठीक है। तो ये सारी और डॉक्यूमेंट्स के तौर पर भाई आपको आधार कार्ड ले जाना है, पैन कार्ड ले जाना है, बैंक की डिटेल के तौर पर आपको डेबिट कार्ड 100% ले जाना है अगर आप फाइनेंस कराने जाते हो, पासबुक ले जाना ठीक है, हो सके तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ले जा सकते हो ठीक है। तो बस दोस्तों यही था आज की वीडियो में, बस इतना ही वीडियो रहने वाली है, और नेक्स्ट वीडियो भी भाई आपकी डिमांड पे भाई आने वाली है। अब वो भाई कौन सी होती है कि इसके एक पॉइंट में भाई कितना पेट्रोल आता है वो रहने वाली है, कौन सी है भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी नोट आउट करवाने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक है, तब तक के लिए बाय।